नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक आज आपके लिए लेके आया हूँ कि होली फेस्टिवल के ऊपर तंत्र मंत्र वशीकरण कैसे किया जाता है दोस्तों, और तंत्र मंत्र और बाधा से मुक्त कैसे किया जाता है, और होली के दिन प्रचंड और प्रभावशाली वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो होली का जो त्यौहार है दोस्तों, होली के दिन जो होलिका थी हिरण्यकश्यप राक्षस की बहन, उसकी बहन होली, उसने भी अपने वरदान का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उसका हनन हुआ, नाश हुआ। उसी प्रकार दोस्तों, ये जो भी तंत्र मंत्र के प्रयोग हैं, ये अमुक तिथियां अमुक नक्षत्र में बहुत ही कारगर और सफल होते हैं। जैसे कि होली हो, काली चौदस हो, शिवरात्रि हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इस प्रकार के अमुक तिथि और नक्षत्र का जब योग बनता है तो उस दिन तंत्र मंत्र शक्तियाँ प्रभावशाली रहती है और उस दिन प्रयोग किए हुए सफल और कारगर और सिद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार आज आपको बताने जा रहा हूँ कि होली के दिन किस प्रकार से आप तंत्र मंत्र की बाधा से मुक्त पा सकते हैं। यदि किसी को आपको डाउट है कि मेरे घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने नजर दृष्टि है, या किसी प्रकार का टोना टोटका कर दिया है, कई बार तो लोगों दोस्तों सिर्फ मन में वहम रहता है, कुछ इसी प्रकार का कुछ रहता नहीं है, तो कई बार अपना सिक्स सेंस काम करता है और हमें आभास हो जाता है कि वाकई में हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने किया है। अचानक ही हमारे घर में बीमारी, तकलीफ, हर प्रकार से आपको घर में पैसा नहीं टिकना, अचानक धंधा चलता हुआ रुक जाना, हमें कई बार हमें सिम्टम्स ऐसे दिखने को लग जाता है। तो दोस्तों, ये होली का जो दिन है ये तंत्र मंत्र का प्रचंड दिन होता है। इस दिन आप को तंत्र मंत्र बाधा से मुक्ति पानी है तो दोस्तों क्या करना है कि आपको एक लाल वस्त्र लेना है। लाल वस्त्र के ऊपर एक नारियल लेके आ जाइए, सूखा नारियल। नारियल दिखाइए इनको, दो कटोरी लेके आइए, नारियल की कटोरी लेके आइए, आप मैं बताता हूँ। तो नारियल जो रहता है दोस्तों, सूखा नारियल लेना है, और नारियल के अंदर एक ऊपर कटोरिया ला, हाँ। तो दोस्तों, इस प्रकार का एक खोपरा का गोला रहता है, सूखा खोपरे का गोला, उस गोले के अंदर, लाल कपड़े के अंदर आप गोले को रख दीजिए। एक लींबू आप जितने भी घर के सदस्य परिवार के हैं उसके ऊपर घुमा के एक लींबू रख दीजिए, और दोस्तों थोड़े से उड़द रख दीजिए उसमें, और थोड़ी सी पीली सरसों, एक 50 ग्राम जितनी पीली सरसों। इस प्रकार से आप उस लाल कपड़े में ये चार पांच जो आइटम मैंने बताए हैं उसको आप अच्छे से रख दीजिए, और उसको पोटली बना दीजिए, और ये एक प्रकार के उतारा करना है। घर के जितने भी सदस्य है उन सदस्यों पे ये उतारा करके आप होली के दिन, होली का समय जो रहता है, जब होली दहन का समय, उस समय आप इसको जला लीजिए। जलाने से पहले सभी सदस्यों के ऊपर 7 बार घुमा लीजिए। घुमाते समय एक मंत्र है, वो आप बोल सके तो बोल लीजिए, अच्छा रहेगा। तो वो पोटली को इस प्रकार से पकड़ के मंत्र बोलिए आप, डंकणी शंकणी भूत को पलित को नजर को टोकार को गूंगी मैली बैली ओपरी सर्वदेव रक्षा करे, नहीं रक्षा करे तो माता अंजनी का दूध पिया हराम, ईश्वर साचा पिंड काचा चलो मंत्री जहां गुरु का युग साचा। अगर ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो डंकणी शंकणी भूत को पलित को नजर को टोकार को गूंगी मैली बैली ओपरी सर्वदेव रक्षा करें, जय गुरु गोरखनाथ। इस प्रकार से आप मंत्र बोलेंगे और अपने ऊपर 7 बार घुमाएंगे। वापस देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार का खोपरा लेना है पूरा, ये दो कटोरिया है, ये कटोरी की जगह खोपरा पूरा गोला बोलते हैं उसको, वो गोला लेना है, उसमें एक नींबू रखना है, थोड़े से उड़द रखने हैं और पीली सरसों रखनी है, और घर के सभी सदस्यों के ऊपर 7 बार घुमा के, शाम को 7:30 बार घुमा के अग्नि के अंदर जलाने से आपके तंत्र मंत्र की जो भी बाधाएं हैं, जो भी घर पे किया कराया है, वो समूल नष्ट हो जाएगा और आपका घर
पवित्र हो जाएगा। और तो ये दोस्तों आप होली के दिन प्रयोग आप अवश्य करें। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होली के दिन प्रचंड वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है। होली के दिन जब होली दहन हो जाती है तो ये प्रयोग दोस्तों होली के दहन के बाद में आप थोड़ी सी जो राख बचती है, जो विभूति रहती है होली की, ये प्रयोग रात को 9 बजे से 12 बजे तक, शमशान में भी जाने का जरूरत नहीं है और ये प्रयोग आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रयोग में आपको जरूरत पड़ेगी शमशान की जो विभूति की भी जरूरत नहीं है, जो आप होली की विभूति है वो थोड़ी सी आप घर पे लेके आ जाइए और भगवान विष्णु भगवान का नाम लीजिए, ओम नमो नारायण कह दीजिए और नरसिंह भगवान का नाम लेके ये प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है दोस्तों वशीकरण का, मैं आज आपको करके बताता हूँ कि ये प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार। हाँ तो दोस्तों आप होली के दिन रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में जब होली का दहन हो जाती है तब थोड़ी सी होली की आप विभूति है, धूप है, वो कुछ भी राख बचती है वो लेके आ जाइए, थोड़ी सी प्रयोग करने के लिए थोड़ी सी विभूति लेके आ जाइए। और दोस्तों इस विभूति को आप रख दीजिए साइड में और आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लाल वस्त्र बिछा के आप इस पाटे पे बिछा सकते हैं, जमीन पे बिछा सकते हैं, बैठ जाइए और थोड़े से चावल रख दीजिए। और ये प्रयोग करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अगर लड़के को वश में करना है तो लड़के की फोटो, लड़की को वश में करना है तो लड़की की फोटो, इस प्रकार से फोटो की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों इसमें जरूरत पड़ेगी हत्था जोड़ी की और इंद्र सिद्ध की हुई गुरु पुष्य नक्षत्र में हत्था जोड़ी की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों इसमें जरूरत पड़ेगी एक लींबू की, नाम लिख लीजिए जिसके ऊपर भी वश में करना है, जैसे कि ये राजेश, और पिछले प्लस निशान लगा दीजिए जैसे विजया लक्ष्मी, किसी का भी नाम जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिख लीजिए और उस एक लींबू के ऊपर ऐसे रख दीजिए दोस्तों। और लड़के को वश में करना है तो लड़के का फोटो सामने रख दीजिए, लड़की को वश में करना है तो लड़की का फोटो रख दीजिए। और दोस्तों इस प्रकार से आप हत्था जोड़ी सिद्ध की ले लीजिए और आप इसको लाल चंदन से मंत्र बोलना है और नाम लिख लीजिए अपनी ये हथेली के ऊपर जिसको भी आपस में करना चाहते हैं। मैं कर रहा हूँ विजया लक्ष्मी, इस प्रकार से नाम लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड में इसको ले लीजिए, इसको हत्था जोड़ी को आराम से, और लेने के बाद में इस मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। ये मंत्र आपको बोलना है, वशीकरण का वही मंत्र है जो सब वशीकरण में मंत्रों में काम आता है, लेकिन होली के दिन ओम नमो नरसिंहाय प्रसन्नस्तु ये मंत्र उसमें ऐड करना है। तो ये मंत्र बोलना है दोस्तों इस प्रकार से, सामने फोटो रहेगा लड़की का लड़के का और एक लींबू पे नाम लिखा हुआ रहेगा, हत्था जोड़ी अपने हाथ में रहेगी, नाम लिख दीजिए विजया लक्ष्मी और इस प्रकार से अपने को करना है लेफ्ट हैंड में, इस प्रकार से राइट हैंड में आपको आप एक कोई तुलसी की लाल चंदन की माला ले लीजिए या कोई भी आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, लाल चंदन की रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से आप मंत्र बोलना है और जो आपके पास में आप लेके आए हैं होली की विभूति तो वो थोड़ी सी इसके ऊपर ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय मंत्र बोल के उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ी सी, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय मंत्र, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथाय मंत्र 5 बार 7 बार या 21 बार बोल के होली की विभूति जो आप लेके आएंगे ये प्रयोग दोस्तों रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। होली का दहन लगभग 9 बजे 10 बजे लगभग सब होलिकाएं दहन हो जाती हैं और ये प्रयोग करना है दोस्तों 9 से लगा के 12 बजे के बीच में, विभूति लेके आ जाइए और फिर इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए ओम शिव गुरु गोरखनाथाय नमः मंत्र बोल दीजिए हत्था जोड़ी से, फिर
इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मैं आपको अच्छे से भी मंत्र बताता हूँ। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य च मम मुखम पश्यति अमुक। जैसे मैं विजयलक्ष्मी को कर रहा हूँ, विजयलक्ष्मी तत मोहेतु स्वाहा। बाद में ओम नमो नरसिंहाय प्रसन्नस्तु। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, ये मंत्र दिखाई दे रहा है मंत्र आपको अच्छे से। ओम नमो भगवते कामदेवाय यश्च यश्च दृश्य भवामि यश्च यश्च मम मुखम पश्यति विजयलक्ष्मी तत मोहेतु स्वाहा। ओम नमो नरसिंहाय प्रसन्नस्तु। ओम नमो नरसिंहाय प्रसन्नस्तु, यह मंत्र इसमें ऐड किया है ओम नमो, क्योंकि होली के दिन भगवान नरसिंह भगवान का रहता है। तो यह मंत्र आप इस प्रकार से है, अच्छे से देख लीजिए और इस प्रकार से हत्ता जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 108 बार मंत्र बोलने के बाद दोस्तों इस हत्ता जोड़ी को वापस चांदी की डब्बी में अपनी जगह पे रख लीजिए। और दोस्तों इस नींबू को जैसे प्रयोग खत्म हो जाता है आपका, 9 बजे से 12 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक ये विभूति भी साथ में होनी चाहिए होली की, तो एक लाल कपड़े में बांध कर आप पीपल के पेड़ के नीचे है या कोई सुनसान जगह पर भी जहाँ पर कोई लोग इसके ऊपर पेशाब ना कर सके, साफ स्वच्छ जगह होगी तो भी चलेगा। पीपल का पेड़ अगर आपको नहीं मिलता है तो साफ स्वच्छ कहीं दूर जगह, अपने घर से दूर कहीं खेड़े में खेत में भी डाल सकते हैं। इस लींबू को पीपल के पेड़ के नीचे डालना बहुत ही अच्छा लाभकर और कारगर सिद्ध होगा। रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में होली के दिन ये प्रयोग करना है। इसको बैठने के लिए लाल वस्त्र बिछाना है और दोस्तों दिशा जो रहेगी उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में मुख करके आपको बैठ के ये प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार का ये होली का ये प्रचंड प्रयोग है और सिद्ध है, ये साल में एक ही बार अच्छा सा प्रयोग सफल सिद्ध होता है। होली के दिन जो भी भाई बंधु अपने प्रेमी प्रेमी प्रेमिका और जिसको भी पाना चाहते हैं ये प्रयोग करके देखें। सिद्ध हत्ता जोड़ी रहेगी आपके पास में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वशीकरण करने से रोक सकती है। दोस्तों ये प्रयोग मैं पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ, सफल है, कारगर है, सिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रयोग आप अवश्य करिए होली के दिन और आपका प्रयोग सफल होगा। और दोस्तों मुझे आपसे गुजारिश है कि अगर आपका मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला प्रोग्राम वशीकरण का आप जल्द से जल्द देख पाए। नमस्कार, धन्यवाद।